नमस्कार, मैं कशिश। आई जानते हैं बॉलीवुड से जुड़े कुछ खास अपडेट्स। रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की फिल्म तू झूठी मैं मक्कार को क्रिटिक के अच्छे रिव्यूज मिले हैं, लेकिन दर्शकों ने इस फिल्म को मिला जुला रिस्पॉन्स दिया है। बुधवार 8 मार्च को रिलीज हुई इस फिल्म में श्रद्धा कपूर की जगह पहले दीपिका पादुकोण नजर आने वाली थी, लेकिन एक बड़ी वजह चलते मस्तानी ने खुद को इस फिल्म से दूर कर दिया। हाल ही में रिलीज हुई लव रंजन की फिल्म तू झूठी मैं मक्कार ने 2 दिन में तकरीबन 25 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म में बॉलीवुड के 2 सुपरस्टार रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर दमदार अवतार में भी नजर आए हैं। ये मोस्ट अवेटेड फिल्म होली के दिन यानी 8 मार्च को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। फिल्म ने पहले दिन ही ठीक ठाक प्रमोशन किया था। फिल्म में जहां रणबीर का स्वैग लोगों को भा रहा है, वही श्रद्धा का बिंदास अंदाज भी दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रहा है। लेकिन शायद ही कोई जानता हो कि लव रंजन की इस फिल्म में पहले दीपिका पादुकोण आने वाली थी, लेकिन बाद में ये फिल्म श्रद्धा कपूर को मिली थी। दरअसल श्रद्धा कपूर इस फिल्म के लिए मेकर्स की पहली पसंद नहीं थी। पहले इस फिल्म में दीपिका पादुकोण को लेने के बारे में सोचा गया था। दीपिका आज इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस में से एक हैं। पहले अजय देवगन भी इस फिल्म का हिस्सा बनने वाले थे, लेकिन किन्हीं वजहों से चलते वह भी फिल्म से बाहर हो गए। जुलाई 2019 में तो दीपिका लव के घर के आसपास भी नजर आई थी। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म की घोषणा की जाने वाली थी। दीपिका का नाम भी सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा था। इसी बीच फैंस ने डायरेक्टर लव के साथ काम ना करने की नहसियत दे डाली। आखिरकार दीपिका ने इस फिल्म को ना ही कह दिया और वह इस फिल्म से बाहर हो गई। गौरतलब है कि कुछ समय पहले मी टू काफी ट्रेंड में था, जिसमें कई एक्ट्रेस मॉडल्स ने सामने आकर कई अलग अलग लोगों पर इल्जाम लगाए थे। उन्हीं में से एक आरोप लव रंजन पर भी था। एक एक्ट्रेस ने खुलासा किया था कि लव ने उन्हें काम देने के नाम पर पहले बिकनी पहनने को कहा और बाद में उनके सामने गलत डिमांड रख दी। क्योंकि लव का नाम मीटू में आ चुका था, तो फैंस ने उन्हें ये फिल्म ना करने की सलाह दी थी। दीपिका ने भी अपने फैंस की बात मानकर फिल्म को खुद से बाहर कर लिया था। बाद में ये फिल्म श्रद्धा कपूर को मिली। बता दें कि दीपिका पादुकोण इन दिनों पठान की सफलता एंजॉय कर रही है। इस फिल्म में दीपिका के काम को काफी पसंद किया गया है। जल्द दीपिका अपनी अपकमिंग फिल्म में प्रभास संग प्रोजेक्ट के ऋतिक रोशन संग फाइटर और अमिताभ बच्चन संग दी इंटर्न में नजर आने वाली है। इसके अलावा दीपिका सिंघम और नए पात्र का भी हिस्सा बनने वाली है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।